नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट है और आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, चाहे अपनी स्टेट में दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करना चाहते हैं या आउट ऑफ स्टेट आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो सेविंग अकाउंट है उसको आप जो है इंटर स्टेट या इन द स्टेट आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं हूँ सुनील कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज का वीडियो आप देखते रहें। वेल फ्रेंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट होता है, चाहे वो आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो चाहे आपका करंट बैंक अकाउंट हो, तो उसको ट्रांसफर करने के जो है दो मेथड हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक ही मेथड होता था, जो कि आपको बैंक में जाना पड़ता था और जाकर के आपको जो है एक फॉर्म भरना पड़ता था और उसके साथ आपको जो है अपना जो है एटीएम और चेकबुक वगैरह सबमिट करके दूसरे बैंक में आपको जो है दोबारा से जो है चेकबुक और एटीएम इश्यू होते थे। मगर अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंज किया है और आप जो है अभी आप जो है खुद ही अपने घर से अपना सेविंग बैंक अकाउंट जो है आप किसी भी ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं। पूरी जानकारी को समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है अपने डाउट्स एंड अपनी क्वेश्चंस को लिख के हमें बता सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको जैसे बता दिया कि फर्स्ट मेथड में आपको जो है बैंक में जाना पड़ता है और वहां जाके आपको जो है एक फॉर्म भरना पड़ता है, आपको अपनी पासबुक और अपनी जो है चेकबुक प्लस एटीएम सबमिट करने पड़ते हैं और आपको जो है दूसरे बैंक में जाके आपका अकाउंट जो है ट्रांसफर हो जाता है। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आज मैं आपको ऑनलाइन मेथड बताने जा रहा हूं कि ऑनलाइन आप जो है SBI के अकाउंट को कैसे ट्रांसफर जो है कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास जो है इंटरनेट बैंकिंग जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आपने इंटरनेट बैंकिंग जो है स्टार्ट नहीं किया हुआ है तो आप अगले 2 मिनट में अपना इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज के हमने ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग कैसे स्टार्ट करनी है उसका वीडियो भी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट 2 मिनट में जो है अपना इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपने इंटरनेट बैंकिंग स्टार्ट करने के बाद अपने अकाउंट को जो है आपने किसी भी स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपने ट्रांसफर करना है तो आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको जो है स्लाइड के माध्यम से बताता हूं कि इंटरनेट बैंकिंग अगर आपकी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद आपने कैसे जो है अपने अकाउंट को ट्रांसफर करना। अगर अभी तक आपने कंप्यूटर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसे आप नेट बैंकिंग से अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं तो सबसे पहले देखिए आपने लॉगिन होने के बाद जो आपको स्क्रीन आती है उसमें से आपने ई सर्विस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने जो है इसको सर्कल किया हो, ई सर्विस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप ई सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार की विंडो एक सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पे आपने जो है नीचे जाना है। ई सर्विस में नीचे जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपके पास जो है नेक्स्ट विंडो खुल के आता है। उस विंडो के अंदर आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर आपका अकाउंट नंबर दिखाएगा, आपका टाइप ऑफ अकाउंट नंबर दिखाएगा, जो कि मैंने कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो है मैंने जो है हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जिस ब्रांच में भी आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हो उस ब्रांच का कोड आपको यहाँ पे डाल देना है और उस ब्रांच का आपको फुल नेम यहाँ पे डालना हुआ है और ब्रांच का जो है नाम या ब्रांच का कोड जो है आपको अगर जानना है तो यहाँ पे आप गेट ब्रांच नेम के ऊपर क्लिक करके आप उसका जो है ब्रांच का नाम और उसका कोड जो है आप जान सकते हैं। यहाँ पे भी आपने अपना अकाउंट को ट्रांसफर करना है।
जब आप यहाँ पे वो डिटेल डाल देते हैं, यहाँ एक्सेप्ट के ऊपर आपको चेक कर देना है और उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप यहाँ का जो है स्क्रीनशॉट लेके उस बैंक में अप्रोच कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी जो है प्रीवियस बैंक की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके उस बैंक में जाएं और उनको बताएं कि मैंने अपना अकाउंट जो है आपकी ब्रांच में ट्रांसफर किया हुआ है, और उसके बाद वो बैंक का मैनेजर जो है आपको आगे की गाइडलाइन बता देगा। तो ये था ऑनलाइन प्रोसीजर कि आपको जो है बैंक अकाउंट को कैसे ट्रांसफर करना है विदाउट गोइंग टू द बैंक। और अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट बैंक में जाएं, वहां पे एक फॉर्म भरना पड़ता है और जिस बैंक में भी आपको ट्रांसफर करना है उसका आईएफएससी कोड और उस बैंक का जो है ब्रांच कोड आपको पता होना चाहिए, आप उसमें अपना इजीली अकाउंट जो है वो ट्रांसफर कर लेंगे। सो इस प्रकार फ्रेंड्स आपने देखा कि आप जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन एसबीआई का अकाउंट जो है कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी ब्रांच में, चाहे जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे आपकी स्टेट में हो, चाहे आउट ऑफ स्टेट में हो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको एक जानकारी मिल गई होगी कि कैसे आप जो है अपना सेविंग बैंक अकाउंट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सुझाव, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिख के हमें बताएं, सो दैट हमारी टीम उसको क्लियर करके आप तक फुल जानकारी पहुंचाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इसके ऊपर जो है लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसके ऊपर जो है अपने वैल्यूएबल कमेंट भी दें। और अगर ऐसे ही वीडियो आप इन फ्यूचर देखना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सो दैट जब भी हम ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोबारा ऐसे ही एक वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज, अलविदा, बाय बाय, हैव ए गुड डे।